म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETFs पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जो अपना वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं। दोनों डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं, मतलब मल्टीपल इन्वेस्टर्स से पैसे पूल करके एसेट्स के बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यह डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने में मदद करता है। ETFs स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह। ये फंड्स टिपिकली पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। दोनों में कुछ की डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में इन्वेस्टर्स को अवेयर होना चाहिए। म्यूचुअल फंड और ETFs प्रैक्टिस में डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स फंड से डायरेक्टली शेयर्स बाय और सेल करते हैं। जिस प्राइस पर शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है उसे नेट एसेट वैल्यू या NAV कहा जाता है। NAV की कैलकुलेशन दिन में सिर्फ एक बार ट्रेडिंग डे के अंत में की जाती है। हालांकि ETFs को स्टॉक एक्सचेंजेस पर खरीदा और बेचा जाता है, बिल्कुल इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह। इसका मतलब है कि ETF की प्राइसेस सप्लाई और डिमांड के बेस्ड पर ट्रेडिंग डे में फ्लक्चुएट करती रहती हैं। एक ETF का प्राइस आमतौर पर उसके अंडरलाइंग एसेट्स के NAV के करीब होता है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत डिविएशन देखना असामान्य नहीं है। म्यूचुअल फंड में अक्सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स होती है जो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक बैरियर हो सकती है, खासकर उनके लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं। दूसरी ओर ETFs में आमतौर पर कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स होती है जिससे वे इन्वेस्टर्स की एक वाइडर रेंज के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो जाते हैं। एक और की डिफरेंस है कैपिटल गेन्स को ट्रीट करने का तरीका। जब कोई इन्वेस्टर किसी म्यूचुअल फंड के शेयर्स को प्रॉफिट पर बेचता है तो उसे गेन की पूरी राशि पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। ETFs के साथ कैपिटल गेन्स टैक्सेस तभी लगते हैं जब ETF शेयर्स को बेचा जाता है। म्यूचुअल फंड और ETFs की तुलना करते समय कई फैक्टर्स काम आते हैं। उदाहरण के लिए लिक्विडिटी से तात्पर्य है कि किसी इन्वेस्टमेंट को कितनी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। ETFs पूरे ट्रेडिंग डे में स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हैं, इसलिए वे म्यूचुअल फंड की तुलना में हायर लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। कॉस्ट एक और क्रूशियल फैक्टर है। म्यूचुअल फंड में आमतौर पर ETFs की तुलना में हायर एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। ETFs जो अक्सर पैसिवली मैनेज्ड होते हैं में लोअर एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। टैक्स एफिशिएंसी एक और क्षेत्र है जहां ETFs को बढ़त हासिल होती है, वे अधिक टैक्स एफिशिएंट होते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर बार बार ट्रेडिंग करने से टैक्सेबल कैपिटल गेन्स डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं। अंत में रिस्क और पोटेंशियल रिटर्न्स का स्तर म्यूचुअल फंड और ETFs के बीच अलग अलग हो सकता है। दूसरी ओर ETFs विशेष रूप से इंडेक्स ट्रैकिंग ETFs को कम रिस्की माना जाता है। सेक्शन 4, रिस्क और रिटर्न का इवैल्यूएशन। किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न इनहेरेंटली लिंक्ड होते हैं। म्यूचुअल फंड विशेष रूप से एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का उद्देश्य मार्केट को आउट परफॉर्म करना होता है, जिसका मतलब है कि उनमें हायर रिटर्न्स की क्षमता होती है। हालांकि हायर रिटर्न की इस क्षमता के साथ हायर रिस्क भी होता है। यदि फंड मैनेजर गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है तो फंड मार्केट से अंडर परफॉर्म कर सकता है। ETFs विशेष रूप से इंडेक्स ट्रैकिंग ETFs को मार्केट के परफॉर्मेंस से मैच करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि वे स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे बुल रन्स में मार्केट को आउट परफॉर्म न कर पाए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य के परिणामों का सूचक नहीं है। म्यूचुअल फंड और ETFs दोनों में ही इनहेरेंट मार्केट रिस्क्स होते हैं। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव जैसे फैक्टर्स दोनों ही इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। सेक्शन 5, सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना। म्यूचुअल फंड और ETF में से चुनाव काफी हद तक एक इंडिविजुअल के इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर निर्भर करता है। जो इन्वेस्टर्स हैंड्स ऑफ अप्रोच पसंद करते हैं और प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहते हैं, उन्हें म्यूचुअल फंड अधिक सूटेबल लग सकते हैं। जिनके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है और जिनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, वे पोटेंशियली हायर रिटर्न्स के लिए एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स पर विचार कर सकते हैं। कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए जो अधिक पैसिव अप्रोच पसंद करते हैं और टैक्स एफिशिएंसी को महत्व देते हैं, ETFs विशेष रूप से इंडेक्स ट्रैकिंग ETFs एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ETFs इंट्राडे ट्रेडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करते हैं जो उन्हें उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल बनाता है जो अपने पोर्टफोलियोज को एक्टिवली मैनेज करते हैं। अंततः महत्वपूर्ण बात यह है कि थरो रिसर्च की जाए, म्यूचुअल फंड और ETFs के बीच के अंतर को समझा जाए
और अपने इन्वेस्टमेंट चॉइस को अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन किया जाए। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने पर इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस के बेसिस पर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल सकती है।